हेलो स्टूडेंट समस्त को स्वागत करुच्ची मुझर चिन्मय सार। बर्तमान देखो आज जो परीक्षा होता OSSC CHSL एग्जाम तार ऑलरेडी करंट इवेंट आम आलोचना करते ये जो डिस्कसन हम ये भिडियो पिला माने कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस बहुत पिला भी कहते आउ सतरे भी मु भी प्रश्न देखिली आज जो कंप्यूटर प्रश्न थिला सबु परीक्षा ठू स्वतंत्र भाव में अलग था एवं टॉप बोली कहीपर सबुतिर क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज होती एवं द्वितीय आम जब लक्ष्य करवा प्रैक्टिकल बेस्ड जो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पूर्वर कंप्यूटर पढ़ुला पाने सेमती प्रश्न आज देखा मिलनी आपको टे डीपली बुझा पड़ो कौन पचारि आ विशेष करके प्रैक्टिकल रिलेटेड प्रश्न था टॉप थी आम कहीपर कंप्यूटर रे बाकी ठीक ठाक थिला किंतु कंप्यूटर प्रश्न आज जहाँ भी आपण मैंने देखिले जापर अपकमिंग एग्जाम सेमती प्रिपेरेसन आपण मैंने करेंगे। देखूँ मो पाखे गोटे क्वेश्चन सेट अच्छी डी रो 31 ले कंप्यूटर पचारिछि प्रथम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप्स इन एक्सेस एमएस एक्सेस रो प्रश्न पचारिछि कैन स्टोर इमेज वीडियो और अदर बाइनरी डाटा टेक्स्ट ऑप्शन ले अछि मेमो अछि हाइपरलिंक अछि ओएलई ऑब्जेक्ट अछि भल भाव बुझावा पई चेष्टा करंतु कोन प्रश्न पचारिछि से कहूछि केउ डाटा टाइप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप्स इन एक्सेस कैन स्टोर से स्टोर करि परिवो इमेज स्टोर करिवो वीडियो करिवो बाइनरी डाटा आपणकर करि परिवो तेणु करेक्ट आंसर हो पाने मन रखिथे ओएलई ऑब्जेक्ट्स जोटा कि आपंकर एमएस एक्सेस रो ओएलई इज ए मेकानिजम जोटा कि अलाउ करे क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स जोटा कि कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स बा आपण कहि परिबे आइटम्स मल्टीपल एप्लीकेशन हैला एटा को ओएलई कह जाए जानि पछन कि नहीं विभिन्न प्रकार अच्छे आप ओएलई रे एग्जांपल जदि देखिबे विभिन्न प्रकार आपण पाई परिबे ओएलई रो डिटेल्स भी आपण जानि परिबे एई ओएलई रो पूरा नाटा आपण माने जानिथिबे जोटा कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग हैला एटा आपनकर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप सेटा आपनकर विभिन्न प्रकार ऑब्जेक्ट्स और डॉक्यूमेंट को लिंक करा जाए मन रहउछि कि नै तेनु आमे आंसर करि परिबा डी हे जिवो 31 हैला 32 इन एमएस एक्सेस व्हाट डज द टर्म नॉर्मलाइजेशन रेफर टू आपण परीक्षा रे नॉर्मलाइजेशन कथा जानिथिबे तेनु एठी पचारुछि नॉर्मलाइजेशन एमएस एक्सेस रे कोन पे व्यवहार करा जाए सेही रिलेटेड रे हम जदी देखिबा पिला माने ऑप्शन ए रे ही आंसर आसी जाउछि ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू टेबल्स डाटा गुड़ा को ऑर्गेनाइज करवा टेबुल ले एवं रिड्यूस करवा आपनकर डिपेंडेंसी एंड रिडंडेंसी मन रहा कि नहीं तेणु 32 रो आंसर ए हो ये सब पिला माने अन ऑफिशियल आंसर की आपण आंसर की ऑफिशियली आसिया पर्यंत अपेक्षा करिया पड़ो जोटा से माने पब्लिश करेंगे। व्हिच ऑपरेशन इन एमएस एक्सेस अलाउज यू टू डिफाइन रिलेशंस बिटवीन टेबल्स ये सब एमएस एक्सेस रु आसी पिला माने से कहे एमएस एक्सेस रे कोटा आपनकर केउ ऑपरेशन टा अलाउ करिवो डिफाइन करिया पे रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स मन रखतिबे करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन डी रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप हे जिवो हैला। नेक्स्ट केउ ईमेल फीचर अलाउ करे टू मार्क सर्टेन सेंडर एज सेफ सो दैट देयर ईमेल्स आर नॉट फिल्टर इनटू द स्पैम फोल्डर आपण ईमेल रे केउ फीचर को जोडे कि आपन को अनुमति देबो आपन ताको जदि चिन्हित करिके रखिबे जो सेंडर्स जे पठाउचंती सेफ करिके रहिबो से निरापद जहा फल रे कि से आउ मार्क करिवोनी कोउटी कि स्पैम फोल्डर को 34 प्रश्न मन रखिबे करेक्ट आंसर हे जिवो पिला माने आपण एई भली प्रश्न आसिले ताको कजे सेफ सेंडर लिस्ट जोडे कि ऑप्शन आपण 34 रो कोडा बी हे पिला माने सेफ सेंडर लिस्ट करि परिबा हैला। नेक्स्ट व्हाट डज द एक्रोनिम MIME स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईमेल MIME रो फुल फॉर्म कोन ईमेल रे पिला माने देखंतु MIME रो एक्चुअली फुल फॉर्म होउची मल्टी पर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन मल्टी पर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन सही हिसाब से आम देखा ये मल्टीपर्पज तो कई ना ऑप्शन अनुसार किंतु मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन अच्छी सही उद्देश्य आम जब देखा ताले बी को पिला माने आमे आंसर कहवा किंतु तार ओरिजिनल कहूँ मल्टीपर्पज है जब एग्जैक्ट देखा मल्टीपर्पज तेणु यार ऑफिशियल आंसर आसिले जना पड़ो जो कौटा हम कि बाकी ऑप्शन टू जब देखा यहाँ ही पूरा ठीक अच्छी मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट 36 को देखिबा प्रश्न कौन अच्छी 36 रे देखि पारुछंत तो आज प्रश्न टिके पिला माने कंप्यूटर जते परीक्षा आपण माने पूर्वरु देइथिले सीजीएल कथा कहबा बा अलगा परीक्षा ये टिके चेंज रहउची। व्हिच ईमेल सिक्योरिटी फीचर एनक्रिप्ट्स द कंटेंट ऑफ एन ईमेल मेसेज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग रीड बाय अनऑथराइज्ड पार्टी आपणकर केउ फीचर बा सिक्योरिटी फीचर टा ईमेल रो आपण को अलाउ करिवो जे अनऑथराइज्ड पार्टी रु आसुथबा मेसेज को से प्रोटेक्ट करिवो बुझियो छि कि नै ताको कौन कहुए आपण मन देखिथिबे WhatsApp रे बेले बेले लेखे डाटा एनक्रिप्टेड बा डाटा ता माने एई प्रोटेक्शन कथा आसुची अनऑथराइज पार्टी मेसेज कथा ताने आपण देखिथिबे तार करेक्ट आंसर डायरेक्ट आपण करि परबे ऑप्शन सी एनक्रिप्शन सेटा को कहुए एनक्रिप्शन सी हिजो आपण कर करेक्ट आंसर हला एनक्रिप्शन। नेक्स्ट 37 which email protocol is considered more suitable for users who need to access their emails for multiple device एटी ही प्रश्न बुझीबा को पड़िबो विभिन्न डिवाइस रु मल्टीपल डिवाइस रु आपण एक्सेस करि परिबे ताहले केउ प्रोटोकॉल आपणकर सुइटेबल हबो उपयुक्त हबो एवं मेंटेन करिबा पई एटा मल्टीपल डिवाइस मैं बुझाई देबा को चाहिए। देखन ईमेल कथा कहि पिला माने ईमेल कथा कहले HTTPS सी हेगला हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर ये कटिला एटा ईमेल संगे जड़ित नुहे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर यार फुल फॉर्म गुडा मन रखंतु। तापर आपनकर रहिछि IMAP रो फुल फॉर्म होछि इंटरनेट मेसेज एक्सेस प्रोटोकॉल POP जोटा 3 लिखा है ताकू कहे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आउ SMTP हैला सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तेनु जदि हमें मल्टीपल डिवाइस यूज करिबा ताहाले ऑप्शन सी हे जिवो पिला माने करेक्ट आंसर IMAP व्यवहार करिबा इंटरनेट मेसेज एक्सेस प्रोटोकॉल सी हे जिवो आपनकर करेक्ट आंसर बुझिए लागि नाही मल्टीपल कथा कहले। नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ओ आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रेस्पोंडर इन ईमेल यार माने हैला आपण ऑफिस रे नाहंती बा आपणकर रिप्लाय दबा पई आपण एबे माने नाहंती किंतु आपण चाहिले मेसेज ऑटोमेटिक रिप्लाय हबो से सही प्रश्नटी कहिछि आपण को जणतु के मेसेज करिछि आपण ऑटो रेस्पोंड करिवे मेल ले ऑफिस रे आउट ऑफ ऑफिस जो टर्म व्यवहार करा होछि नाहंती बा लैपटॉप आपणकर बंद अछि आपण किंतु ऑटो मेसेज जीवो केमिति 38 रो प्रश्न पिला माने सेटा केमिति करिवा मन रखंतु तार करेक्ट आंसर हे जीवो पिला माने सेटा आउट ऑफ ऑफिस रो अर्थ होला सेटा कहली ऑटो रेस्पोंडर माने हला टू ऑटोमेटिकली रिप्लाई टू इनकमिंग ईमेल्स विथ ए प्री डिफाइंड मेसेज व्हेन द रिसिपिएंट इज अवे तमे आगुरु पिला माने गोटे मेसेज कोन करथिबो प्री डिफाइंड रखिथिबो जे मोर ए जे कोनोसी मेसेज आसिले मोर एटा ही रिप्लाई जीवो आपण माने देखिथिबे प्राय आम मानक मोबाइल ले एबे हेई गलानी आपण जदी कॉल रिसीव न करूचंती आपण जदी मेसेज गोटे रखुचंती से ऑटोमेटिक मिस कॉल हे गला पर गोटे मेसेज पठे दबो ताको सपोर्ट रु आपण जहा लिखि दिबे कि कॉल यू सून बा कॉल यू लेटर हां एट मीटिंग एमिति सो लेखा जाय कि नै बस सही कांसेप्ट रे एटा 38 रो बी हि जो पिला माने करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 39 देखियो व्हिच ईमेल फीचर अलाउ यू टू रिकॉल और रिट्रैक्ट एन ईमेल मेसेज दैट हैज ऑलरेडी बीन सेंट से कुछ क्यों फीचर ईमेल लो आपण को व्यवहार करि परिबे जदि गुटे मेल आपण पठेई दैचंती सेंड हि जायछि ताको पुनी कोन करिया पई रिकॉल करिया पई बा रिट्रैक्ट करिया पई कोन व्यवहार करिवे करेक्ट आंसर पिला माने यार एक्चुअली टर्म जो व्यवहार करा जाय सेटा हला मेसेज रिकॉल जोडा व्यवहार करा जाय तेणु ईमेल रिकॉल तो सुना जायनी मो मतरे पिला माने मु भाबुची बी ही हबो ए भी टिके माने ग्रेस आडी की कथा जाउची भला बे देखिबा कोन हबो किंतु मु अनुमान करूची आपणकर रिकॉल मेसेज ही करा जाय मेसेज रिकॉल बोली कुआ जाय तेणु ताको उल्टे देछि बोधे तेणु आपण मान देखिबे कोन हबो आंसर म जणैबे हला व्हिच ईमेल प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिट्राइविंग ईमेल्स फ्रॉम ए मेल सर्वर टू ए लोकल क्लाइंट एंड टिपिकली डाउनलोड मेसेज टू द क्लाइंट डिवाइस ये भी से प्रोटोकॉल उपरे प्रश्न आसीछि 40 नंबर प्रश्न म आपण मानकू कहितली जेते बेले गुडे सर्वर मेल सर्वर कोन करिवो लोकल क्लाइंट रु आउ टिपिकली डाउनलोड करिबा मेसेज टू द क्लाइंट डिवाइस ताको हमें व्यवहार करि परिबा HTTP तो केबे नुए सेठी ऑप्शन सी हि जिवो पिला माने जोटे कि आपनकर कोन हे गला पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ऑप्शन सी कर दबा हैला क्लियर तो। नेक्स्ट देखिबा पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इन MS वर्ड इज यूज्ड टू इंसर्ट ए नॉन ब्रेकिंग स्पेस पिला माने आपण को गोटे इनसर्ट करिवार अछि नॉन ब्रेकिंग स्पेस दबा पई अछि ताले आपण कोन शॉर्टकट की यूज करिवे पचारिछि कोथिरे MS वर्ड रे तण कोन करेक्ट आंसर हबो पिला माने करेक्ट आंसर ऑप्शन देखंतु शॉर्टकट की रे पचारिछि कोटा करेक्ट आंसर हे जिवो करेक्ट आंसर हे जिवो पिला माने ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस व्यवहार करियो पड़ियो। नेक्स्ट MS Word रे व्हाट डज द शो हाइड बटन ऑन द होम टैब प्राइमरीली डू पिला माने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे ए जो शो आउ हाइड बटन टा होम टैब रे थाए तार मुख्यतः कोन काम करे 42 रो प्रश्न से कोन तार काम रहिथाय मन रखतिबे से आपनकर देखैबो कोन शो हिडन कमेंट्स एंड आनोसेसन एटा हे जो आपनकर करेक्ट आंसर 42 बी हे जो पिला माने। नेक्स्ट देखिबा 43 ऑप्शन बी अलग थिला एटा हाइलाइट्स तो हबनी रिवेल्ड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एटा हबनी सेटा हब व्हिच रिबन इन टैब इन एमएस वर्ड कंटेन्स द ऑप्शन टू क्रिएट एंड मैनेज स्टाइल्स से कुछ क्यों रिबन आपन व्यवहार करेंगे एमएस वर्ड रे देखो रिबन उपरे टैब उपरे मेन्यू उपरे यही रिलेटेड प्रश्न अच्छी आज बुझे नहीं तेणु 43 रो करेक्ट आंसर हम यहाँ जो आप जहाँ भी करूँ एमएस वर्ड रे क्रिएट एंड मैनेज स्टाइल कथा कहले आप क्यों रिबन होम ऑप्शन ए 43 है। नेक्स्ट 44 को देखो व्हिच व्यू इन एमएस वर्ड इज यूज्ड प्राइमरीली फॉर एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट क्यों व्यू रे आप एंटर करेंगे एवं टेक्स्ट को एडिट करेंगे 44 प्रश्न पचारि मन रखिथे पे एटा आराम से करेंगे क्यों व्यू रे एटा तो ड्राफ्ट रे तो केबे नुहे वेब लेआउट नुहे ए हो पाने को नॉर्मल भी कहुए प्रिंट लेआउट माने जोटा आप देखुं नॉर्मल 44 रो ए है। नेक्स्ट हाउ कैन यू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड रे पे स्पेलिंग चेक करने आपने जानी एटा इजी थिला आप F7 प्रेस करेंगे F7 है। हाउ कैन यू फॉर्मेट ए सेल एक्सेल प्रश्न आसिला एज करेन्सी विथ 2 डेसिमाल प्लेस इन एक्सेल दीटा डेसिमाल प्लेस एक्सेल दवापाई हेले आपण फॉर्मेट को जिबे सेल को जाइके करेन्सी करिवे हैला डाउट भी टिके रहउची होम रु करेन्सी किंतु पिला माने फॉर्मेट को जिबे सेल जाइके करेन्सी ए सी हे जिवो 46 47 देखिवा एई प्रश्नटा टिके चालाकी करी दैची एवं आपण माने जदी प्रैक्टिकल नॉलेज भी थिबो एक प्रश्न उपरे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एक्सेल फंक्शन सब टोटल 9C2 आपण माने जदी एटा को नॉर्मली देखिबा एवरेज रे तो सब टोटल लागिबोनी बुझिउजी कि नै मैक्सिमम रे तो आसीबोनी आउ रिटर्न टू द काउंट सेटा तो आसेनी तेनु 47 लो जदी हम देखिबा पिला माने सी ही करेक्ट आंसर हे जिवो रिटर्न द सम वैल्यू इन सेल C2 टू C10 इंक्लूडिंग फिल्टर वैल्यू ओके। नेक्स्ट 48 हाउ कैन यू क्रिएट ए डाटा वैलिडेशन रूल इन एक्सेल टू रेस्ट्रिक्ट इनपुट टू होल नंबर बिटवीन 1 and 10 आपन केउ मेन्यू को जाइके बा केउ ऑप्शन को जाइके डाटा वैलिडेशन रूल करि परिबे एक्सेल रे आपनकर कहिची होल नंबर बिटवीन 1 to 10 भितरे 48 रो प्रश्न मन रखि दिए पिला माने आपन डाटा को जिबे डाटा वैलिडेशन होल नंबर बिटवीन 1 and 10 तनु ए हे जिवो करेक्ट आंसर हैला। नेक्स्ट 49 करंट अफेयर सरी थिला नाही पिला माने ओके जो मन देखि नाती टेलीग्राम रे भी वीडियो अपलोड अछि पीडीएफ भी क्वेश्चन देई दैछि आपन देखि परिबे। हाउ कैन यू सॉर्ट डाटा इन एक्सेल बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया डिफरेंट क्राइटेरिया बेसिस रे आपण केमिति डाटा गुडा को सॉर्ट करिवे माने अरेंज करिवे 40 लाइन ले आपण डाटा को जिवे सॉर्ट यूज करिवे मल्टीपल क्राइटेरिया तनु ए हे जिवो करेक्ट आंसर 49 ले हैला। 50 हाउ कैन यू क्रिएट ए डाटा टेबल इन एक्सेल टू एनालाइज मल्टीपल सिनेरियो देखंतु सब एक्सेल लो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पचारिची सेति पई पिला माने कहउचंती एटा मॉडरेट रू टॉप क्वेश्चन रहिची हमें कहि परिबा कंप्यूटर रे 50 रो करेक्ट आंसर हे जिवो पिला माने ऑप्शन ए डाटा व्हाट इफ एनालिसिस डाटा टेबल इन पावर पॉइंट आसीगला पावर पॉइंट रो प्रश्न केउ फीचर अलाउ करे टू सेट द ऑर्डर एंड टाइमिंग ऑफ स्लाइड ट्रांजिशन ड्यूरिंग ए स्लाइड शो गोटे स्लाइड शो रे तार ऑर्डर एवं टाइमिंग टा कोउटी आपण जाय कि अलाउ करिवो सेट करिया पई 51 ला प्रश्न भाबी चिंती के कोंतु स्लाइड मास्टर रे पिला माने यार संपर्क नाही एनिमेशन ने ट्रांजिशन नहि करि परिबे सी ट्रांजिशन को जाय कि करि परियो। नेक्स्ट 52 पावर पॉइंट व्हाट द प्रेजेंटर व्यू ऑप्शन अलाउ यू टू डू ड्यूरिंग ए स्लाइड शो समय रे से को जे प्रेजेंटर व्यू टा आपण जो ऑप्शन से कोन आपण को काम करिया को दिए ए प्रेजेंटर व्यू रो काम कोन 52 रो प्रश्न मन रखि दिबे ये प्रत्येक जो स्लाइड रोइला पिला माने ता स्लाइड रो नरेशन दबो तेणु आम जब से कथा को लक्ष्य करवा करेक्ट आंसर आम कर डी हम रेकर्ड नरेशन फॉर ईच स्लाइड मन रोज जोटा कि प्रेजेंटर व्यू रे। नेक्स्ट व्हिच पावर पॉइंट व्यू इज यूज टू डिजाइन इंडिविजुअल स्लाइड्स एंड एडजस्ट देयर लेआउट ये गोटे चालाक करदेला देखो इंडिविजुअल स्लाइड आपन इंडिविजुअल माने कौन प्रत्येक स्लाइड ऊपर आपन काम करिवे ताकू ही एडजस्ट करिवे ता माने कौन नॉर्मल बुझी पाले कि नहीं ये स्लाइड शटर बा थंबनेल व्यू बा स्लाइड मास्टर एटा स्लाइड मास्टर कहले सबू हे जीवो से कोची इंडिविजुअल स्लाइड को एडिट करिवे ता ऊपर काम करिवे ताले एटा नॉर्मल व्यू पिला माने बस नॉर्मल व्यू रे ही हे परिबो जेमिति स्टार्टिंग रु आपण आरंभ करन पावर पॉइंट रे जो प्रेजेंटर व्यू रोइला शो ऑन प्रेजेंटर स्क्रीन ड्यूरिंग ए स्लाइड शो ओके व्हाट डज द प्रेजेंटर व्यू शो ऑन द प्रेजेंटर स्क्रीन ड्यूरिंग ए स्लाइड शो मतलब गोटे स्लाइड शो चलीची आपणकर प्रेजेन्टर स्क्रीन ले ये कौन देखाए प्रेजेन्टर व्यू से पचारूँ 54 प्रश्न से कौन देखाए मन रखिथे मुझे जोटा कहली आपण मानक पूर्व सांगे ये प्रश्न टिके चेंज होती ये स्पीकर नोट्स देखेबो एवं नेक्स्ट स्लाइड रो प्रीव्यू आसीबो ओके अपकमिंग स्लाइड प्रीव्यू एवं स्पीकर नोट्स जहाँ आपण तादर नोट्स देथिबे से रिलेटेड रे देखेबो से स्लाइड रो नोट्स कौन आपण पॉइंट देइचंदी से रिलेटेड रे देखेबो प्रेजेंटर व्यू रे मन रहिला 54 बी हि जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रहिला 55 व्हिच पावर पॉइंट फीचर अलाउ यू टू create a custom slide layouts with placeholder for text image and other content ये allow करिवो आपन को custom slide layout तामने आपन सेटू जदी चूज करि देले से सब आडे भी सेमिति placeholder for text हैला image हैला सब content पई आपन कर हे जिवो तनो सेहिटी जगह रे आपन slide master व्यवहार करिवे जदी आपन slide master रे चेंज करूचंती बा परिवर्तन करूचंती सही भली समस्त slide जोटा individual नै थियो से भी चेंज हबो मन रहला तेणु ये थिला पिला माने कंप्यूटर ऑन ऑफिशियल आंसर मु आपण मानकु समस्त प्रश्न डिस्कशन करिया पई ऑलरेडी वीडियो देइची करंट इवेंट रे भी बढ़िया प्रश्न आस्थिला आलोचना सरीथिला आपनकर मैथ रीजनिंग सब आपण माने पाई परियो जदी वीडियोटी सतरे आपण मानकु भलो लागिची नियति लाइक करिवे एवं जदी चैनल को सब्सक्राइब करि नांती निश्चित सब्सक्राइब करि रखंतु अपकमिंग एग्जाम पई निश्चित आपण को बहुत हेल्प रहइबो आपनकर क्लास करिया पई। थैंक यू पिला माने ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ।